गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आपको टाइटल देख के समझ में आ गई होगी कि ये आइकिया टूर है, और मैं सैटरडे को आइकिया गई हुई थी, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो मैं बस आपको इस वीडियो में बस स्टार्टिंग की, आप 2-3 मिनट्स देख लो क्या, सुन लो मेरी बात कि मैं क्या बोल रही हूँ। उसके बाद आप चाहो तो आप मत देखना, स्किप कर देना या फिर वीडियो को बंद कर देना। तो सबसे पहली बात, यदि आप आइकिया नहीं गए हो तो सैटरडे एंड संडे वीकेंड डेज पे मत जाना आइकिया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उस भीड़ के कारण आप कुछ ले भी नहीं पाओगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बस भीड़ में इधर से उधर होते जाओगे। सबसे पहले तो आपको स्टार्टिंग में अंदर जाने के लिए 30 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। आप चाहते हो अपने वीकेंड को पूरा वेस्ट करते हो वहाँ जाने के लिए, उसके बाद आपको 30 मिनट से ज़्यादा तो अंदर एंट्री लेने में ही लग जाएगी। उसके बाद सेकंड थिंग जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप अपने घर से खा के जाओ या फिर बाहर से खा के जाओ, पर आइकिया में वहाँ पर खाने का बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि वहाँ पर जो फूड कोर्ट है वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी। हमें 1 to 2 आवर्स वहाँ लाइन पर खड़े होने के लग गए, और वो भी हम इसलिए खड़े थे क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी खा करके नहीं गए थे वहाँ पे। हम लोगों ने सोचा था कि बहुत अच्छी वहाँ पे फूड्स मिलती हैं वैरायटीज़ की, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 to 6 आइटम मिलते हैं, वो भी बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होते हैं, वेस्ट ऑफ मनी है। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या लिया था, और सारा ही हमने छोड़ दिया था, बस थोड़ा थोड़ा ही हम लोग खा पाए थे क्योंकि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थी। तो आप बाहर से खा के जाओ, वही अच्छा होगा। और उसके बाद जब हम लोगों ने खाना वाना कुछ खा लिया, पहले तो वहाँ जाने में उसके बाद खाने में 3 to 4 आवर्स हमारे लग गए। तो हम वहाँ गए थे लगभग 2 बजे के आसपास, दोपहर में 2 बजे, और वहाँ हम 5:30 ऐसे ही निकल गए खाते पीते ही, क्योंकि बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी और वहाँ लाइन में लगे लगे ही हमारा बहुत टाइम निकल गया था। तो ये आप देख सकते हो, ये जो कुछ क्या था, मैं इसका नाम भूल रही हूँ, ये कुछ वेज रोल नहीं पता नहीं, आई डोंट नो, पर कुछ तो है ये वेज से। तो वो आप बिल्कुल भी मत लेना, बहुत ही घटिया टेस्ट है उसका, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा ये चीज़, इसलिए बिल्कुल भी मत लेना। ये कुछ वेज के कुछ बॉल हैं, और साथ में आप कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, आलू मेस करके दिया हुआ है और कुछ भी नहीं है। ये सिंपल दाल चावल की टेस्ट अच्छी थी, यदि आप बहुत ज़्यादा भूखे हो तो आप ये खा सकते हो, बाकी मुझे वहाँ कुछ भी खाने लायक नहीं लगी। पेस्ट्रीज जो आपको बाहर मिलती है वैसी ही वहाँ भी है, वहाँ कुछ अलग सी पेस्ट्री नहीं है जिसके लिए आप 120 रुपीज़ दो। तो फिर भी आपकी चॉइस है, आप क्या चाहते हो, पर मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बाहर से खा करके जाओ, उसके बाद ही जाओ। ये जो आप खाना देख रहे हो ना, ये हमारे खाने के बाद का है, इतना हमारा खाना वेस्ट हुआ है। हमें टोटल 900 रुपीज़ लगे थे, और ये बहुत ही मतलब हमें बहुत मूड ख़राब हो गया ये खाने में पैसे बर्बाद करके, क्योंकि ऐसे नॉर्मली आप हैदराबाद में बिरयानी वगैरह खा लो तो कितना अच्छा होता है, आपको 200 रुपीज़ में 2 लोग आराम से खा लोगे। तो वहाँ पे खाने की गलती मत करना। और उसके बाद आपको यदि आइकिया जाना ही है तो आप अच्छे से टाइम लेकर के जाओ, और वीक डेज़ में जाओ, मंडे टू फ्राइडे में जाओ, और वो भी जैसे ही आइकिया यदि 10-11, मुझे नहीं पता है कि इसकी ओपनिंग टाइम क्या है, जो ओपनिंग टाइम है उसी टाइम पे जाओ, उस टाइम पे ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। और एक बार यदि आप वहाँ घुस गए तो आपको 2 to 3 आवर्स तो वहाँ पूरे घूमने में लगने ही लगने हैं, उन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है। और फिर आपको ढूंढना भी बहुत पड़ता है कि इधर से एग्जिट है, किधर से क्या है, और आप जाते हो आप फर्स्ट फ्लोर पे, आपको निकलना होता है ग्राउंड फ्लोर से, जो कि आपके पूरे घूम करके ही निकलने हैं, तो आपको सारी चीज़ें देखनी ही पड़ेंगी। और मैंने वहाँ से क्यों नहीं कुछ लिया, क्योंकि वहाँ पर मुझे वो जो प्राइस जो थी वो बहुत ज़्यादा चीप नहीं लगी। मैं डिस्काउंट में और जो साइट में शॉपिंग करती हूँ होम सेंटर वगैरह से, उससे मुझे बहुत ज़्यादा चीप में मिलती हैं, ऐसा मुझे फील हुआ। फिर भी मैंने कुछ कुछ चीज़ें वहाँ से ली थी जो कि मुझे थोड़ी हटके लगी, जो कि मुझे यहाँ नहीं मिलती हैं, जैसे कि वहाँ पे किचन में यदि आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है तो वॉल पे आप कैसे सारी चीज़ों को फिक्स कर सकते हो, उस टाइप की बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने कुछ कुछ ली थी, अपने पास रखी थी। लेकिन इतने सारे 4 to 6 आवर वेस्ट करने के बाद जब मैं वहाँ पे बिलिंग काउंटर पे गई तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वहाँ पे मुझे 1 से 2 घंटे और लगने थे, जो मेरे बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर थे, इसलिए मैंने अपने शॉपिंग बैग को वहीं रख दिया।
मैंने सोचा कि नहीं, मुझे नहीं करनी है अभी शॉपिंग, और ऐसे भी बहुत ज़्यादा मन ना हो और आपने कुछ भी ले लिया हो ना तो उससे आपको बाद में बहुत पछतावा होता है। तो मैंने सोचा नहीं, मैं फिर कभी जाऊँगी तो मैं फिर से शॉपिंग कर लूँगी, मुझे अभी कुछ नहीं लेना। और मेरे पास बिल्कुल भी शरीर में मेरी ताकत नहीं थी कि मैं वहाँ पर रुक के और शॉपिंग कर सकूँ। तो ओवरऑल मेरा जो फर्स्ट आइकिया का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बेकार रहा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा जैसे मैंने अपने सैटरडे को वेस्ट कर दिया, और वहाँ से आने के बाद इतने ज़्यादा मतलब पैर वगैरह में और सर में इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। इतने ज़्यादा वहाँ पे आवाज़ गूंजते रहती है सभी लोगों की, और इतने सारे बच्चे जो होते हैं वो सारे मतलब मैं क्या बताऊँ। ऐसे भी मुझे थोड़ी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इस वजह से मुझे साउंड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मुझे कुछ खास चीज़ें वहाँ मिली नहीं, और जो कुछ अच्छी लग भी रही थी तो वो मुझे ओवर प्राइस लग रही थी। तो यही था मेरा टोटल आइकिया का एक्सपीरियंस जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। तो फर्स्ट चीज़ आपको ये याद रखनी है कि आपको वीकेंड्स पे नहीं जाना है। सेकंड, आपको वहाँ पे नहीं खाने की कोशिश करनी है, आप बाहर से खा के जाओ वही अच्छा होगा, वहाँ टेस्टी कुछ नहीं मिलता, और वीकेंड्स पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है। थर्ड, आपको वहाँ पे टाइम लेके जाना है ताकि आप सोच समझ करके कोई भी चीज़ परचेस करो, क्योंकि जो भी चीज़ें वहाँ हैं, कुछ हैं ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे जनरली नहीं मिलती हैं, कुछ यूनिक चीज़ें हैं वहाँ पर आपको सोच समझ के लेनी, ऐसे नहीं कि बस जल्दी में जा करके भीड़ में सभी ले रहे हैं तो हमने भी ले लिया, ये काम आपको नहीं करना है। तो बस ये चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। इसके बाद यदि आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, इसमें मैंने कम्प्लीट आइकिया का टूर किया हुआ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
जी।